क्या करे हाले दिल बया, कोई चीज सस्ती नहीं यहाँ कोई। सर उठाने लगा कोरोना, फिर आ गया फिर से इम्तिहान कोई। एहतियात है बहुत जरूरी, इसलिए आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? आज कपड़े अच्छे पाए ने बहुत आला। वार्डन ने बदतमीजी करके चपेड़ा खाने वाले कपड़े पाए। नहीं नहीं, वो हर किसी ने चपेड़ा नहीं मार दे। ये वैसे कितने के लिए है, सही बता रहे आज? नहीं मैं नहीं बताऊंगा। नहीं महंगे नहीं है इतने, वो ले के जो वाश कराया ना उस पे ज्यादा कपड़े। नहीं वैसे कहां से लिए आज बता तो दे। नहीं मैंने खुद ही लिए हैं। खुद तो लिए कि मैं कितों ले पेटी जो गड्ढे ने। हाँ बिल्कुल, वो सबसे पीछे वाली। सिर्फ निशानी बता दें, वो जो अनारकली की नुकर वाली रेड़ी है उससे कितनी रेड़ियां आ गई। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पहली दफा मुजाकरात में आ रहे हैं और अभी नए नए ही स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब बने हैं ऑन इन्फॉर्मेशन और स्पोक्स पर्सन भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, जनाब हसान खावर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, जो कि हुआ करती थी सुपर मॉडल, उसके बाद बन गई एक्ट्रेस और अब एक्टिंग में कमाल करने के बाद होस्टिंग भी शुरू कर दी है, मोहतरमा इफ्फत उमर। शो जी, आज तो मेहमान बड़े ही प्यारे, खावर साहब बड़ा ही इंतजार कराते हैं आप, बड़े माशाल्लाह प्यारे हैं आप। एक खूबसूरत शेर लाया हूं जी मैं इफ्फत जी के लिए। अच्छा, क्योंकि मैं इनका फैन भी हूं और मेरी मोशन भी है। क्या बात है, बब्बा शेर है। इफ्फत उमर है मॉडलिंग की दुनिया की नंबर वन मॉडल। यही नहीं, ये अपने वक्त की पॉपुलर फनकारा हैं। हाय हाय, दिल इनका शफाफ आईना, आंखों में ख्वाब सुहाने, सूरत सीरत दोनों मिलाकर देखो तो ये महपारा है। हाय हाय, यारी दे विच कोड़ नहीं फबदा। अरे वाह 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 वाह, यारी दे विच कोड़ नहीं फबदा, शीशे दे विच जोड़ नहीं फबदा। हाय हाय, ऐस तवारे तू नहीं आया, गलियां मल्ला मोड़ नहीं सजदा। मेरा शेर नहीं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी है। कमारा होने की आग मैंने सेक ली है। आए, ओए, आए, ओए, 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 जहां दीवार नहीं थी वहां मैंने टेक ली है। बड़ी मुश्किल से तबीयत ठीक हुई थी कैसर, अच्छा आज फिर फूलों से सजी गाड़ी देख ली। जी हसान साहब, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से हैं? खैरियत। आपने शो देखा हुआ है सर? मैंने देखा हुआ है। तो आपका शो किसने नहीं देखा हुआ? नहीं सर, कोई है तीन चार जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ अभी। तो वो भी कभी आएंगे हमारे पास। मगर आपने शो देखा, सो यू हैव एन आइडिया। यस। और आपने आने से पहले कोई अपने करीबी दोस्तों को, कोई हुकूमती हलकों में बताया कि आप जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जबकि आपके बहुत से दोस्त हमारे पास अक्सर आते रहते हैं, तो अगर आप बताते उनको तो वो शायद आपको कोई टिप्स दे सकते हैं, मगर क्योंकि आपने फैसला किया कि मैं नहीं बताऊंगा तो हम इसका फायदा उठाएंगे। बिल्कुल। इफ़त जी आपके क्या हाल हैं? मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, कोई वजह है कि मुझे हमेशा पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बुलाते हैं? क्योंकि हुकूमत में ही आजकल ये लोग हैं। हुकूमत हो रही है ये तो देखें, अब एक और सवाल है, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि लोग तो हैं पर हुकूमत कहाँ है? ये देखे आते ही पहला आपने जो है रॉकेट फायर कर दिया है, मगर मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि आप हमेशा पावरफुल लोगों के साथ बैठे, Okay. कि जो पावर जिनके पास है वो हो, इसलिए हम आपको हमेशा पीटीआई वालों के साथ बुलाते हैं। है। आप चाहेंगी तो मैं अगली बार चेंज कर दूंगा इसके बारे में। मैं तो उनके लिए कह रही हूँ, अपने लिए नहीं कह रही। नहीं मेरा ख्याल है अगली दफा खुद ही सब कुछ चेंज हो चुका होगा। बहुत मल्टी डायमेंशनल किस्म का जुमला है जिसकी बात भाई सोच रहे ने, मैं तो हुणे नवा नवा मिनिस्टर बने हैं कि कह रहे ने। नहीं मैं सोच रहा हूं कि नून लीग का बंदा बयाया थे ना ने। नून लीग का बंदा। आपको ये क्यों लगता है कि जो आप लोगों से एग्री नहीं करता वो नून लीग से एग्री करता है?
हमें तो ये नहीं लगता, हमें तो ये लगता है कि जो जमहूरियत की इकदार से पहले हुकूमत के जाने की बात करता है उस तरह की आवाजें अमूमी तौर पर लंदन से आती हैं। सर जमहूरियत से भी तो आना पड़ता है ना, जमहूरियत से आएंगे तो जमहूरियत से जाएंगे। नहीं मगर इस तरह तो जब नून लीग की हुकूमत थी तब हम यहाँ बैठे बहुत से वार करते थे, नून लीग हुकूमत के वक्त पे हमेशा ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है वर्ल्ड ओवर, तो उस वक्त क्या हम पीटीआई के बंदे थे? नहीं आपकी बात तो नहीं की उन्होंने कहा सारे यही करते थे उस वक्त भी। मगर एक चीज वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी रिसेंट टाइम्स हमने देखा है कुछ फनकार जो थे वो गए और वहां जाके मियां नवाज शरीफ साहब से मिले और उनका मिलना जो था वो तस्वीरें फ्लोट की सोशल मीडिया पे, मगर फिर बहुत से पीटीआई के अहदेदारान ने उसको लेके उनको टारगेट करना शुरू कर दिया कि ये फलां बेचारे बंदे हैं, ये वो बंदे हैं। अरे वो तो बेचारे गेट्री रिमार्क्स थे और शहबाज गिल साहब के थे, आप तो, क्यों कह रहे हैं कि कोई नहीं, मैंने तो दो तीन ट्वीट देखी थी तो मुझे बड़ा लगा कि ये बेचारे फनकार तो मिला है, अब जाके कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर रहे तीन बार मुल्क के आप जाके मिलते हैं एज एन आर्टिस्ट आप मिलते हैं, मगर उनको बेचारों को इसमें क्यों रगड़ दिया बीच में यार, इतने बंदे हैं आप लोगों के पास। ये आपके मैं बिल्कुल साथ हूँ, किसी का भी हक है मिलना, हर चीज़ सियासी नहीं होती और डेरोगेटरी रिमार्क्स पब्लिकली मेरे ख्याल में किसी के खिलाफ ही नहीं देने चाहिए, इसमें देयर आर नो टू ओपिनियंस है ना। और ऊपर से स्पेशली व्हेन देयर जस्ट आर्टिस्ट, आई मीन इफ देयर समवन इज सेइंग कि जी हमें मियां साहब याद आते, दैट्स जस्ट अ थिंग, आई मीन उनकी फीलिंग है कि यार वो कोई ये तो नहीं है ना कि वो कोई इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह रहे हैं कि याद आते हैं, तीन बार के प्राइम मिनिस्टर थे तो कल को आप किसी के बारे में भी कह सकते हैं और ये ट्रेडिशन एक बहुत सालों की है। बट खैर एनीवे सर मुझे ये बताएं, आप तो सिविल सर्विस का एग्जाम देके बैठे हुए थे बहुत पहले बहुत पुरानी बात, वो आपने छोड़ क्यों दी? गुजारा नहीं होता था मेरा, उन बेवकूफों में से था जिसका सरकारी नौकरी में गुजारा नहीं होता। ओए होए सारे कमो ना खर्चा पूरा नहीं सी होता पंजाबी में से कहेंगे तो खर्चा पूरा नहीं होता, नहीं तो सियासत में आके हो जाता है। वो तो अब आया हो ना, सिविल सर्विस तो 25 साल 20 साल पुरानी बात है। यू डोंट लुक दैट ओल्ड, कॉम्प्लीमेंट आई मस्ट गिव यू, वी हैंडसम पार्टी है क्या करेंगे, हैंडसम पार्टी है। हसन साहब पहले तो ये बताएं कि इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको कितने मिलते हैं? आज का तो पहला है, आज का पहला है तो कल परसों भी किसी ने दिया था? नहीं वेरी रेयरली, नहीं मगर ये कभी कहते हैं इस तरह आपको लोग? आजकल मुझे सिर्फ चुपते हुए सवालात का सामना है और जब कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इट्स वेरी रेयर एंड आई रियली अप्रिशिएट, सो शुक्रिया। लेकिन चौका साबित हुआ ये कॉम्प्लीमेंट था मगर जिस दिन पहले दिन मिनिस्टर बनने नाके थे दसे से उन्होंने कहा मैं मिनिस्टर हो गया इससे ना लगा मसाइल कितने छोटे छोटे हैं कि नाके में बता रहा था हमने कि मिनिस्टर हो गए, मतलब हमारे ये मसाइल ना सिविल सर्विस के जमाने में निकल गए थे। कोई मसला नहीं, वो वैसे ही उनके पता नहीं कौन कौन से अब दोस्त किस किस जगह पे लगे हुए होंगे तो अंदाजा ही नहीं है। सर, मेरे भी थे दोस्त ने ना फिर। अच्छा मगर इफ़त जी मुझे ये बताएं कि ये तो खैर हुकूमत में है और इनको क्रिटिसिज्म और अप्रिसिएशन जो भी है दोनों चीजें मिलती हैं, आप तो अच्छी खासी एक्टिंग कर रही थी पहले, तो एक आपने मॉडलिंग की कर ली ना फिर एक्टिंग आप कर रही थी, बीच में आप एकदम यके बदीगरे मैं समझता हूँ कॉन्ट्रोवर्सीज की तरफ जाना शुरू हो गई समहाउ। ये मैंने बस सिर्फ एक आम पाकिस्तानी की तरह पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल से जिसको भी इस मुल्क की फिक्र है उनका थोड़ा ना बहुत इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में ज़रूर होना चाहिए, और जब से ये डेवलप हुआ और इसका मैं क्रेडिट इमरान खान को देती हूँ क्योंकि उन्होंने ही इतना कह के मुझे पता है मैं मुल्क ठीक कर दूँ, हमने कहा इन्होंने ठीक कर देना है उनके पीछे लग के, और 22 साल मैंने कहा ये तो आते ही पाकिस्तान कुछ यूं करेंगे और ठीक हो जाएगा, वो टेस्ट एंड ट्राई पे लग गए, वो तो मुझे भी लगा दो मैं भी टेस्ट एंड ट्राई करके ठीक कर लूंगा। इस चीज ने आपको पॉलिटिक्स की तरफ किया? इंटरेस्ट जब लिया तो पता चला कि ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, नथिंग एल्स, अंदर कोई प्रोडक्ट तो है ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और मुल्क का जो हाल हो गया। मैं इनको यही बता रही थी कि जब नवाज शरीफ साहब थे ना तो मैं उनको भी बहुत क्रिटिसाइज करती थी क्योंकि जो भी हुकूमत होती आपने उनके वीक पॉइंट्स पॉइंट आउट करके अब बेहतरी की तरफ बात करते एक बहस चलती है, इनके बारे में जब कोई बात करते इतनी गालियां पड़ती हैं, पूरे पूरे आपके फ्रेंड्स चलना शुरू हो जाते हैं, मतलब ये भी ख्याल नहीं रखना कि किसी की जवान बेटी है, कोई घर में मैरिड है, किसी की फैमिली भी है। देखो अब मजाक में मैं एक वेब चैनल के लिए सैटायर करती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल देती हूँ, मुझे भी पता है कि सेंसर्स क्या है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आप उसके जवाब में ऐसी गंद बोलेंगे ये पीटीआई से पहले मैंने नहीं देखा। बहुत से लोग हैं जो ऐसे नहीं हैं पीटीआई में भी, लेकिन जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं वो खुद इतनी गलाजत बोलते हैं आके टेलीविजन के ऊपर, इतना डेरोगेटरी रिमार्क होता है उनका अपोजिशन के बारे में,
डिसेंट इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता। सो हमें अखलाकी तौर पे पीटीआई ने बहुत नीचे की। हसन से तो कोई नहीं सुनी होंगी ऐसी बात आते हुए। नहीं नहीं, उन्होंने तो आते ही बहुत ही अच्छी तरह बात। देखिए मैं ये समझता हूँ कि डेरोगेटरी रिमार्क्स, ट्रोलिंग, इनटॉलरेंस की निशानदेही करता है जो कि हमारे मुआशरे में बढ़ रहा है। और ख़वातीन के साथ तो वी नीड टू बी मोर केयरफुल, क्योंकि हमने अपनी सोसाइटी को ख़वातीन के लिए ऐसे बनाना है कि वो भी जिस तरह मर्द जा रहे हैं उसी तरह औरतों के लिए वो बिला खौफ व ख़तर बात करें। और आज़ादी इजहार राय जो है, मैं समझता हूँ उसकी बड़ी अहमियत है। तो मैं इनको बिल्कुल यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये कोई पीटीआई की फ़िलासफ़ी नहीं है। और मुझे अफसोस भी हुआ है अगर आपके साथ ये हुआ है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इनटॉलरेबल। इसमें कोई ना मजाक की बात हो सकती है, ना इसमें कोई जवाबी बयान है। सम थिंग्स आर जस्ट प्लेनली अनएक्सेप्टेबल एंड आई फुली सपोर्ट। ये देखें फजी, दूसरी चीज पे वो पूरी तरह मान गए हैं, कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान खुद ही इतने टॉलरेंट इंसान है, वो औरतों की जब बात हो रही होती है, रेप्स की बात हो रही होती है, तो वो औरतों के लिबास पे आ जाते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पता है कि रेप का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये पावर डायनामिक्स हैं। और आप जब आके अखलाकियात की बात, प्राइम मिनिस्टर का हमें अखलाकी तौर पर तालीम देने का कोई काम नहीं है, ये काम हमारे घरों में होगा, ये सोसाइटी में होगा, ये फिलोसोफर्स करेंगे। आप आके रोज अखलाकियात का हमें दर्स देना शुरू कर देते हैं, वहां पे महंगाई से लोगों की मिर्चें, नमक, घी, आटा, लोग मर रहे हैं, और आप आके यहाँ पे हमें अखलाकियात के दर्स दे रहे हैं। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर, आप हमारा मुल्क चलाएं, और हमें ये मत बताएं कि ये लिबास पहनोगी तो मर्द तुम्हें छेड़ेंगे और ये लिबास नहीं पहनोगी तो मर्द नहीं छेड़ेंगे। मर्दों को सीधा करें, औरतों के लिबास से नजरें हटा दें। अच्छा देखिये, मैं अगर इस पर आप इजाजत दें, देखिये मैं नहीं समझता कि उन्होंने कभी ऐसी बात की है, ना ही उनका यह मतलब है। लेकिन एक बात हमें वाजह करनी पड़ेगी कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के शहरी हैं। ये नाम ना तो इमरान खान साहब ने रखा है, ना ये नाम आपने रखा है, ना मैंने रखा है। ये पूरी अवाम ने जो आपका आइन बनाया था और एक मुतफिक्का तरीके से बनाया था, उसके अंदर हमने डिक्लेयर किया कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पर सेक्युलर, कायदे आजम ने यही कहा था। बिल्कुल कहा था। तो कोई अपनी मर्जी से कोई लिबास पहन रहे तो आप तो मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे। नहीं, मैं आपको बिल्कुल ना समझता हूँ कि ये लिबास ठीक नहीं है। नहीं देखें, मैं इफ़त आपको बताता हूँ, मेरा बिल्कुल ये काम नहीं है कि स्टेट मैं ये डिक्टेट करूँ कि आप क्या पहन रही हैं या क्या नहीं पहन रही हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप एक स्टेट के कस्टोडियन हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, तो आपने ये बिल्कुल देखना है कि आपकी सोसाइटी के अंदर वैल्यूज का डिके क्यों हो रहा है। आप नहीं, मैं ये नहीं समझता, मैं नहीं समझता, तो फिर ये कहना भी नहीं चाहिए। नहीं, परेफर देखें, मॉरल वैल्यूज का डिके इज अ सेपरेट डिबेट। आप बात कर रही हैं विक्टिम ब्लेमिंग की, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, ना कभी खान साहब ने विक्टिम ब्लेमिंग की है, ना हम लोग विक्टिम क्लेरिफिकेशन भी दी थी उन्होंने कि ये मैंने ये देनी पड़ी, बिकॉज बहुत प्रेशर आ गया था, वुमेन वर सो फ्यूरियस। पीपल हु नो इमरान खान वो ये बात जानते हैं कि इमरान खान साहब ही स्पीक्स हिज माइंड, कोई विक्टिम ब्लेमिंग का उसमें एस्पेक्ट नहीं था। लोगों ने मिसकंस्ट्रू किया था, मॉरल वैल्यूज का डे एक और चीज है, विक्टिम ब्लेमिंग इज अनदर थिंग, एंड आई टोटली स्टैंड विद यू व्हेन यू टॉक अबाउट That victim blaming is a bad thing. अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे ड्रामों से तलाकें हो रही हैं, ये वजह है तलाकों नहीं, की? देखें ये तो इस ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर दुनिया में बोलता है आके दुनिया को कि ड्रामे मत देखो तलाकें हो जाएगी? कौन सा प्राइम मिनिस्टर है? अगर मैं अपने घर फोन करने लगा के टीवी बेचो देखे, अब वो उनका व्यू था, वो नहीं, आई एग्री विद यू, ड्रामे ना देखे, ड्रामे देख सकते ड्रामे कौन देख रहा है फिर, उनको कौन बता रहा है? ये एक्चुअली वो पॉइंट है कि कौन बता रहा है, इज द क्वेश्चन। आई एम श्योर खान साहब इज नॉट सिटिंग एंड वॉचिंग। नहीं, मुझे तो लग रहा है वो देख रहे हैं। नहीं, खान साहब जरूर देखते हैं, मगर ये नहीं देखते, आई नो दैट, कि वो ये नहीं देख रहे होंगे। अच्छा, मैं एक आपको एग्जांपल दूं। देखिए बात ये है कि एक जो बयानिया होता है ना, पब्लिक डिस्कोर्स, वो एक अलग चीज है, रियलिटी अलग है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आजकल महंगाई है, आपने भी जिक्र किया महंगाई का, इस बात से किसी को इनकार नहीं है, और महंगाई को कंट्रोल करने की जरूरत भी है। लेकिन आपकी इकोनॉमी के बाकी तमाम इंडिकेटर्स बेहतर जा रहे हैं, वो सिर्फ आपको ही पता है, हमें मुझे नहीं पता। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे नंबर्स हैं, मैं तो उसी के स्टेट के नंबर्स की बात आएगा तो आपको पता चलेगा ना। मैं जो ग्रोसरी 6000 की करती थी ना, मैं आपको अपना वाक्य बता रही हूँ, 21000 की आई है। आई एम ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंट पॉइंट, 6000 से 21000 की आई है। नो नो, बट वो कुछ और पॉइंट, हां आई एम ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंट पॉइंट कि देखें, मैं आपको इन्फ्लेशन को मैंने एक्नॉलेज किया, मैं यहीं से बात स्टार्ट की। आप 2018 से कंपेयर करते हैं, आपके रेवेन्यूज 80% ऊपर, आपकी एक्सपोर्ट्स ऊपर है, ये अनडिस्प्यूटेड नंबर्स की बात करूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपने मतलब ऑफ द कफ नंबर्स दे रहा हूँ। आपकी रेमिटेंसेस ऊपर हैं, आपकी ग्रोथ रिबाउंड हुई है,
अब होता क्या है, अगर हम सारा डिस्कोर्स महंगाई के बारे में करेंगे, महंगाई है उसे इनकार नहीं है, तो आप एक सबलिमिनल मैसेज दे रहे हैं कि जी ये तो सारे काम ठीक हो रहे हैं, शायद जेबी गलत है, और शायद जो पिछली पॉलिसी थी जिसमें आप अपने रिजर्व्स को बिल्कुल नीचे ला के मुल्क दिवालिया करने वाले हैं, तो वो शायद चीज़ें ठीक थी। तो हमने सही डिस्कोर्स की तरफ भी जाना है, हमें बात समझनी भी है, ताकि लोगों को ये तो बताएं कि जो सही फैसले हैं, मुश्किलें वो लेने पड़ेंगे। महंगाई का जवाब बिल्कुल है, मज़ीद कोशिश भी कर रहे हैं, करनी चाहिए भी है, और किसी किस्म की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं उन लोगों के जो महंगाई से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम महंगाई की बात अपनी जगह करेंगे, लेकिन हमें ये बातें करनी है कि जी रिस्पॉन्सिबली इकोनॉमी चल रही है किसान भाई, लेकिन महंगाई बहुत होगी, समझ ही नहीं आती कि पहले 1,00,000 रुपए देने तो खर्चा पूरा होता, हूँ 5,00,000 भी दे दो तो खर्चा पूरा नहीं होता। मैं बेगम नू आके पूछा, मैं क्या हूं तू हाथी का गोश्त पकाने लग गई? कल मैं घर सब्जी लिए पैसे दिते 20 रुपये घट दिते विचों सिर्फ। अच्छा, उन्हें शाम ने मैं सालन ही नहीं दिता। मैं अपनी बीवी ने पूछा, मैं क्या इन्ना बिल कादा दिता, तो भी तू मुंह नाल दस दे करंट लाता सी। वफादार नहीं हो सकता, कोई गुर्बत में समझदार नहीं हो सकता, नौकरी के तुम वाके ही नहीं है यारो, हालत ऐसी है कारोबार नहीं हो सकता, कर लो जितने भी जतन पर यहाँ पे ताकतवर भाग सकता है गिरफ्तार नहीं हो सकता। सही क्या ना आ? वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इफ़त जी ये बताएं, एक तो सियासी एंगल जिसमें आपने बताया कि आपने उसका नक्शा खींच दिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो भी साइड है वहां से भी आपकी बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। मसलन के जैसा पिछले दिनों हमने देखा था, एक नुमान एजाज साहब के साथ आपका क्लिप वायरल हो गया था। जोक। आप कुछ पूछना चाह रही है? रुकमा जी, आपको 25 ईयर्स हो गए हैं मॉडलिंग करते हुए, तो आपको पहले की मॉडलिंग इंडस्ट्री में और अब वाली मॉडलिंग इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है? मैं बिल्कुल मॉडलिंग नहीं कर रही, मेरी उम्र गुजर गई है मॉडलिंग की, लेकिन जब मैं मॉडलिंग करती थी तब से लेके अब तक में बहुत फर्क है। लेकिन एक बात है कि जब हम मॉडलिंग करते थे तो मॉडल्स वर सेलिब्रिटीज ऑन देयर ओन, अब जो एक्टर्स हैं वो ही मॉडलिंग कर रहे हैं और ये थोड़ा चेंज आ गया है। मॉडल्स एज स्टार्स अब नहीं रहे, अब जो स्टार्स हैं वो ही आगे से ब्रांड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके एम्बेसडर्स। अच्छा, वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आपको ऐसा लगता है कि एक्ट्रेसेस को मॉडलिंग करनी चाहिए? देखो, ये वक्त के साथ साथ ये प्रोग्रेस है और हर चीज़ पूरी दुनिया में इसी तरह चेंज हो रही है, उसके हमें वक्त के साथ चलना चाहिए और मेरे ख्याल से ठीक हो रहा है सबको। दो सवाल हो गए, 11 मिनट चुप रहना तुझे है। तो मैं भी उसको तंग करते हो। माशाल्लाह, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ओपिनियनेटेड वुमन, तो ड्रामा सीरियल्स में एक वीक वुमन का कैरेक्टर प्ले करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है? एट दिस एज तो बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं, क्योंकि इतना कुछ लाइफ में देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, इट्स ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन। मैंने हमेशा जब भी एक्टिंग की है, मेरा हर एक अपना मेथड होता है, मेरा मेथड ये होता है कि अगर मैं ऐसी होती तो मैं किस तरह रिएक्ट करती, तो ये आपको अपने ऊपर तारी करना पड़ता है, यू हैव टू गो इनटू द कैरेक्टर, और ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, ये सोचने में जितना मुश्किल लगता है जब आप इसमें कर रहे होते हैं उसको प्रोफेशनली, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं। वेल डन। वैसे मुझे बात बताइए, अभी आप कह रही थी कि जनरली यू नो ये तो एक पॉलिटिकल ट्रोलिंग होती है, जो कि पार्टी एफिलिएशन होती है, पार्टी के वर्कर्स व्हाटएवर जो भी हैं वो आपको ट्रोल कर रहे होते हैं, मगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि जनरली हमारा तमीज का जो एक लेवल है वो कम हो गया एज अ सोसाइटी इवन? और दिस हैज अ लॉट टू डू, हर एक को टूल मिल गया है अपना ओपिनियन। एग्जैक्टली, मैं ये कहने लगा था कि आफ्टर सोशल मीडिया इवन आप चले, वो तो पॉलिटिक्स की फील्ड है, अपनी फील्ड के अंदर भी देख लें, आपको क्या लगता नहीं कि ये कहीं बार तमीज का लेवल बहुत कम हो चुका हुआ हमारा? मुझे वैसे ये लगता है कि अभी हम लोग ये तय नहीं कर पाए कि असल में तमीज होती क्या है। मुझे तो लगता है कि हमें अभी ये सारी चीजें तय करनी है कि हमारे हीरोज कौन है, तमीज असल में होती क्या है, ये चीजें तो पता ही नहीं है, कोई कुछ सोच के बैठा हुआ है। पहले हमें मुश्तरका तौर पर यह तय करना है कि एक्चुअली ये नॉर्म्स होने चाहिए, ये हमारे हीरोज हैं, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की तरफ हमने जाना है, ये हमारा फ्यूचर मुल्क का होगा। हम लोग कोई अपनी मर्जी से 300 साल पीछे लेके जा रहा है, कोई अपनी मर्जी से हमें कुछ बता रहा है, वी आर नॉट एक कॉमन उस पे नहीं है कि हम चाहते क्या है इस मुल्क के लिए। वाह वाह, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर ओन। मिलके पहले ये तो बता दो कि हाँ ये सही तो एक ही होगा ना, हर बात सही नहीं हो सकती, वो सही तो तय कर लो कि सही ये है, फिर उसके जो अगेंस्ट आएगा हम उसको कह देंगे, क्योंकि अभी तो हर कोई जस्टिफाइड है, हर कोई कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम जो मर्जी बोलते हैं। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मुझे लगता है एक बड़ी चीज है जो दोनों साइडों पे यूज होती है, इवन जहां पे इसके गुड्स हैं वहां बैड्स भी बहुत हैं। डिसएग्री कर सकते हो,
लेकिन डिसएग्री करने का ये मतलब नहीं है कि आप गालियां दें। जनरली बात कर रहा हूँ, ये देखिए पॉलिटिक्स के ऊपर जो है, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, आप एग्री करते हैं नहीं करते ये एक और बात है। मुझे लगता है कि एक जनरल गुफ्तगू हमारी जो है ना, वो भी बड़ी एक कुछ तमीज और तहजीब के दायरे से बाहर होने जाना शुरू हो गई है। जिस मुल्क में अब खुल के बातें नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी बातें जब आप खुल के करते हो, सबसे पहले हमारी आवाम को एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या मुहैया कर रहे हैं? इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन, ऊपर से मुल्क के हालात नहीं समझ आ रहे हैं, ऊपर से ये नहीं पता चल रहा कि इधर रहना है कि हमने वेस्ट का साथ देना है, हमारा मुल्क का फ्यूचर क्या जा रहा है। इस कदर वो हो चुकी हुई है रेडिकलाइजेशन के अब डर लगता है, मुझे तो समझ नहीं आती कि हम वापस नॉर्मल उसकी तरफ कैसे आएंगे। ये मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है वहां से जो मुझे नजर आ रहा है। ये भी है मगर you know mama called me early in the morning okay and she was very disheartened your mama was disheartened yes she said come back in the united states why because mama meri imran khan di fan si na okay kehne maine tumhe koi kamane ke liye thodi bheja tha pakistan to phir maine to tumhe isliye bheja tha ki imran khan ne jo baat kahi hai ke वो कहीं झूठा ना पड़ जाए कि फॉरेनर यहाँ आकर काम करेंगे। वो फॉरेनर तुम थे? हाँ, बहुत अच्छे। मामा कहती वो तो मैंने उसकी स्पीच सुनी थी तो मैंने तुम्हें भेजा था कि लोग समझे हाँ खान सब ठीक कह रहे हैं, तो कोई जॉब मिली है? मैं कह रहा मामा जिनके पास थी उनकी भी हथो निकल गई है। yes. मामा के नहीं कम बैग, मामा ने मैंने पैसे भेजे ने ओके, बट टिकटों इनियां महंगी हो गई ने, वो 9,300 रुपए कट पे गए। सो कुड यू प्लीज गिव मी 9,300। मैं उठे जाके मामा को मैं भेजूंगा, तो आई डोंट हैव मैं तो मनी ऑर्डर कर देंगे, तुसी बैंक अकाउंट दियो मैं उठे ट्रांसफर कर देंगे। अरे मेरे पास है ही नहीं यार अभी कुछ, मैं ऐप है मेरे को बैंक का पैसे, मेरे पास तो ऐप नहीं है ना। सो व्हाट शुड आई डू, मैं उन कहां से बैंक जाऊं? इंसान भाई नवे मशहूर होए ने शायद तुम्हारी मदद करन। लेकिन पीटीआई की ज्यादा उम्मीद भी ना रखना। आई नो सर दिस इज गुड गाय। कौन है? हसान खावर। ओह लव यू हसान, स्पेशल असिस्टेंट ऑन इंफॉर्मेशन पंजाब गवर्नमेंट। यस आई लव इमरान खान। यस आई लव इमरान खान इज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा जी। यस आई लव इट, इमरान खान इज गुड गाय। जब इमरान खान साहब आए ने ना, कोई रोशन मुस्तकबिल नजर आना शुरू है, क्योंकि लेने ने ना। मैं ते फैन हो गया अपना चावला खान ईसा खेलवी साहब का, कितना सोना उन्हें किया है। वो जदों आएगा इमरान मेरी जान, वो बन गया नवा पाकिस्तान, वो बन गया नवा पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब जिंदाबाद, शाह महमूद कुरैशी साहब का पता लगे पीपल्स पार्टी जा रहे हैं। कुछ नहीं निकला, चलो उठाओ कुर्सी। नहीं भाइयों को कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया उन्होंने। अच्छा हुकूमत को कुछ नहीं, देने वाली नहीं। मैनू माफ कर देना, मैं एक्सपीरियंस मेरा रॉन्ग हो गया। हुकूमत को कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं लेना कुछ ना। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आजकल यूज कर रहे बुजदार साहब। अच्छा जूम तक कॉल की मैनू कहते नहीं, मैं मीटिंग में हूं, एक तुमसे बड़ी शॉर्ट स्टोरी बात करनी है। ओके। मैं जी सर, कहते ने कि ये जो 3 साल हो गए हमारी हुकूमत को, अब 4th साल शुरू हो गया है। हाँ। हो सकता है इस दफा मैं कौम से खताब करूं। बुजदार साहब कह रहे सन, हल्का जहा झटका मैंने भी लगा है। कौम से तो वजीर आजम खिताब करते हैं सर, लेकिन वो कहते नहीं सॉरी मैं करना। इन्होंने कहा कि तू इस तरह कर भाई, 3 साल के फैक्ट एंड फिगर लैके आ। ठीक है। मैं डाउन यू वर्ड सर, मेरे नाल ही फास्ट फूड वाला है, उसको लैके आना। फास्ट फूड सर? मैं समझो कि फास्ट फूड दी आइटम है। अरे नहीं यार, मैं क्या सर कितू लिया। हाँ। वो कहते ने कंपेरिजन
कंपैरिजन ओके दो तीन बारी जन मेरे कन्ने च बजा है ठीक है मैं कहता सर लियाना की है कहंदे ने पिछले 10 साल हुकूमतां दी कारकर्दगी हां ते साडी 3 साल हुकूमत दी कारकर्दगी ठीक है फिर मैं कहया ओके सर कहंदे नहीं 70 साल दी लाया है मैं फिर गया फिर 70 साल दी लाया दी ये ठा करके ठीक की अमा ले आंदी मैं कहया एक बारी तुहानू चेक करा लवां ओ नवे माइंड कर जान मैं कहया जी 70 साल दे विच कर्जा 25000 सी ते 3 सालां ही 45000 हो गया पेट्रोल 80 रुपए सी ते हुण 147 हो गया डॉलर 105 दा सी 177 दा हो गया चीनी 55 दी सी 105 दी हो गई है घ्यो 170 दा सी 360 दा हो गया आटा 35 दा सी 70 दा हो गया सोना 50000 तोला सी 120000 दा हो गया खाद दी बोरी 3500 दी सी 7000 दी हो गई है दवाई जड़ी 110 रुपए सी 330 रुपए हो गई है ते बिजली दा यूनिट 8 रुपए दा सी 30 रुपए दा माय गॉड यार ते गैस जड़ी 300 रुपए सी हां वो 4800 हो गई है ते मोटरसाइकिल जड़ा 95000 दा सी 150000 दा बेरोजगारी 3% सी हुण माशाल्लाह 47% मैं जाके पेश करा या जान नहीं घसोन खा लवा मेरा नहीं ख्याल नौकरी भी ना चली जाए हाँ, बिल्कुल इसमें चांसेस बहुत है मैं क्या भी दीवारों दे भी कांड होंगे ने दीवारों को भी मशवरा ले लेना चाहिए मेरे हिसाब ना तुसी भी एक दीवार ही हो ते ए दसो भी मैं हुण कंपैरिजन जिहड़ा हैगा जाके करा के चुप करके बुखार की मेरे ख्याल से आपको चुप कर जाना चाहिए और वैसे भी उनको कंपैरिजन के लिए हेल्प करने में वो बैठे हुए जो उनके हमारे मेहमान डबल डबल कमाइयां कर रहे हो नाले प्रोग्राम चला रहे हो नाले ट्यूशन पढ़ा रहे हो बच्चे नहीं है वो गौर से देखो सर मैं देखिया माशाल्लाह बड़े प्यारे जी बच्चे है सारी सारी हुकूमत हसन भाई को पंजाब स्पोक परसन ने तर्जमान है हुण भी आए ने नहीं ये आन तो पहले आउणगे जाके नहीं होना है बंदे रोज बरोज बदलते सुबह दोपहर शाम दवाई नहीं खाते इस तरह मशीन बदलते इस वास्ते कह रहे मेरे भाई है माशाल्लाह बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी ने लेकिन ये नहीं बदल सकते अप्लाइड फॉर मिनिस्टर ने बारह इस तो पहले कि मैं भाईजन दे नेड़े जावां हाँ। मैं मैडम नू एक सलूट पेश करना चाहता अच्छा मोहब्बत आग सी ओए होए 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 यार ऐसा ड्रामा कीता यकीन अच्छा। करो मैं कहना भाई काम ते जाण नू नहीं दिल कीता जे तो लगणा मैं दरखास्त दे देनी छुट्टी दी तुहाडा बिरा फिर 3 महीने बेइज्जत होंदा रहे ठीक है बोल ओ दुआ लगणा सी चौरस नहीं लगा इन्हें मैडम के ड्रामे की वजह माशाल्लाह एसपी होता सी इन्हें हरकतों तो एसएचओ है कोर्स करके होता बंदा अच्छा, ते अच्छा। वो मेरे को नहीं होता तस्वीर ले लेनी चाहिए भाईजान कोई पता नहीं होता बंदे का किस टाइम की हो जाए हो सकता है अगली बारी तुसी सीएम होवो तजर्बा है ना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बंदे ने मड़ा देंदा मैडम कहना ये भी वन पिक्चर प्लीज मेरी फैमिली मेरे बच्चे मेरी वाइफ तुहाडे एडे फैन ने मैं फैन ने फिर जी हां जी हां जी ओ खुड्डे चो किवें ड्रामा देख लेंदे मेरे बच्चे कुकड़ दे बच्चे ने उत्तर बतख दे बच्चे ने बड़ा बड़ा अफसर है जी मेरे तो 22 साल बड़ा है जी इहदा मतलब 124 साल दा हो गया है कन्ना जी काटन रख के ते रेड ते जा रहे फिर मैं कह ही की कीता जे कहंदा यार मुजरम उच्ची बोल दे ना मेरे को फिर बर्दाश्त नहीं हुंदा थैंक यू जी मैडम ओके जी ओके सारे जमाने दे अवार्ड तुहानू दे देने चाहिए मुझे एक बात बताइए कि आप बिल्कुल एक और बैकग्राउंड से आए आप इससे पहले जर्नलिज्म में थे आपका और भी काम था और अब आप बिल्कुल हार्डकोर पॉलिटिक्स में और इस तरह की इंफॉर्मेशन
कि सीट के ऊपर लैंड करते हैं, ये दुनिया कितनी मुख्तलिफ लगती है आपको उस दुनिया से? काफ़ी मुख्तलिफ है जी, काफ़ी मुख्तलिफ है। और ये उसी तरह है, जब मैं आया और आपने अभी आपके दोस्त आए पुलिस की यूनिफॉर्म में और उन्होंने कुछ नंबर पढ़े, तो मुझे ये लगा कि एक तो आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि इस वक्त ना एक्चुअली अगर आप नेशनल मीडिया देखें तो इसी तरह हो रहा है, यानी कि इसी तरह है जैसे एक पुलिस मैन इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी तरह के नंबर थे और वही मीडिया के अंदर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में जहाँ इतनी डिसइंफॉर्मेशन हो, वहाँ पे अगर आपको हुकूमत का पता है, आपको इकोनॉमी का पता है, तो आप डिस्कोर्स को फीड करने में, सही बात करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा, जिसे कहते हैं उर्दू में चोली दामन का साथ भी है, कि अगर आपने वाकई प्रैक्टिकली काम किए हैं, पब्लिक सेक्टर में काम किया है, प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, आपको पता है दुनिया कैसे चल रही है, तो फिर शायद ये फ़र्ज़ आप बेहतर तौर पर अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को हकीकत बता भी सकते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ ये तो आपकी फैक्ट्स वाली साइड है, मगर एक पॉलिटिक्स की साइड होती है जो कि बड़ी खतरनाक होती है फॉर एनीवन, एंड यू आर, इफ आई मे यू नो से सो दैट यू आर एन आउटसाइडर एज फार एज हार्डकोर पॉलिटिक्स इज कंसर्न, तो उसमें तो बहुत कंस्पिरेसीज भी होती हैं, बहुत सी जेलसीज भी होती हैं, और आपके केस में आई एम श्योर बहुत सी जेलसीज होंगी, क्योंकि आपसे पहले भी जो लोग थे वो भी बहुत इसकी जद में आए हैं इसी सीट के ऊपर, आपको इल्म है, और अब भी बहुत होंगी कि यार है कि यार बाहर का बंदा आके ला देता है, ये बहुत कॉमन जुमले हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं, हम यहाँ पे एम पी हैं, हम वो हैं, कोई नहीं, तो ये भी एक आपको फेस करनी पड़ती हैं। अब बिल्कुल करनी पड़ती है, देखें ये बातें बिल्कुल ऐसी होती हैं, इस बात से तो इनकार नहीं है, लेकिन देखें एक तो बात यह है कि आपको पता है कि आप चॉइस हैं, चीफ मिनिस्टर की चॉइस हैं, प्राइम मिनिस्टर का उसके अंदर जाहिर है कि रजामंदी है। एक तो मेरा ख्याल लीडरशिप की मर्ज़ी है कि जिस मर्ज़ी चॉइस वो करें और जो समझते हैं कि बेहतरीन तौर पे ये किरदार अदा कर सकता है उसको ये दें। दूसरी बात देखें ये है कि पॉलिटिक्स भी तो आवाम का ही काम है ना, पॉलिटिक्स को हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और अगर हम अपने काम पर नज़र रखें, हमें ये पता हो कि हमने क्या डिलीवर करना है, तो फिर कॉन्स्पिरेसीज बॉदर नहीं करते। और कोई टिप्स आपको दिए डॉक्टर फिरदौस आशिक कवान या फैजल हसन चौहान ने? अभी तक नहीं मिले, खुदा के लिए उनसे तो ना ही मिले, क्योंकि वो दोनों पहले इस सीट पे थे ना, ये इससे पहले वो डॉक्टर साहिबा थी, और तुसी भी तैयार रहो, जिथे हुण हैगे ने ना तुसी भी उधर ही जा रहे थे। क्या मतलब यार, मगर कोई आपकी मुलाकात वगैरह नहीं हुई डॉक्टर साहिबा से? नहीं, डॉक्टर साहिबा से नहीं हुई, चौहान साहब से तो मुलाकात होती है, वो तो हाँ, मीटिंग्स भी होती है, मिनिस्टर हैं, प्रेजेंस के भी बिल्कुल है। लेकिन मैं वैसे आपको एक बात बताऊँ, आपने दिलचस्प बात की है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर शख्स से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। सो डॉक्टर साहिबा की मैं समझता हूँ मीडिया रिलेशनिंग जो है ना, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, जो उनके साथ लोग तारीफ करते हैं। चौहान साहब को ये आता है कि हाउ टू स्टे इन द न्यूज़, ठीक है, whether you agree with him or not, I can see, he can stay in the news for sure, ये तो है। देखिए आपने रहते हैं वो, आपको अच्छा लगे ना, मगर न्यूज़ में वो रह लेते हैं, और मन में लगेगा कि यही तो काम है कि उसने न्यूज़ में नहीं, मतलब जो भी था, इवन व्हेन ही वाज नॉट स्पोक्सपर्सन, वो कुछ ना कुछ करके रह लेते थे, ये है मेरा मतलब। ये है कि आपको हर शख्स से, मैं समझता हूँ कि हर शख्स से सीखने की कोई ना कोई गुंजाइश होती है, और सीखना चाहिए, वन शुड बी ओपन टू लर्न। मगर आई रियली वॉन्ट कि आप डॉक्टर साहब से एक मुलाकात जरूर करें, और आई वॉन्ट टू बी आई विटनेस टू दैट, तो हम तीनों फिर एक कॉफी पे मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन कॉफी तो ना बिल्कुल सादी मुलाकात करना, कप शप लागे ना पे हूं। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी, तो 2020 का आगाज करते हैं, हमारा एक सेगमेंट है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है, कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है। तो आप इससे पहले कौन खेलना चाहेगा बताइए? मैं खेल लूं। आप खेलेंगे इफत जी, चलें। इफत जी ये बताइए, आधी रात का वक्त, शदीद ही बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान को बोरियत खत्म करने के लिए कॉल। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी में माहिरा के साथ। ठीक है, स्माइल? स्माइल मैं दे दूंगी सबा कमर को। ठीक है, और महविश को बता दूंगी जब उसका कि उनका फ्लोर आ गया है। ठीक है, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस तस्वीर पर पड़ेगी। ऐसी क्या मजबूरी है उसकी? शो में है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप एवरी डे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो चांद पर जा रही हैं एक स्पेस रॉकेट के अंदर, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब कायम अली शाह। अब मुराद साहब यंग है तो कायम अली साहब को ही छोड़ आऊंगी। ओए होए होए,
कायम अली शाह साहब का फैन क्लब आज भी जिंदा है। टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं, हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। उनका क्या कसूर है बेचारों? पता भी है टाइटैनिक क्योंकि वो मशहूर है, ये कसूर है उनका। मैं किसको दबाऊं इसमें से? आप बताइए। चलो मेरी अदनान से दोस्ती है, वो मेरे साथ आ जाएगा। अदनान सदीकी साहब मुश्किल है, बहुत बड़ा स्टार है। ठीक है जी, अदनान सदीकी साहब आप जाएंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और खलील उर्रहमान कमर। देखिए इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन के उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि वो हमारे एक हीरो रहे, क्रिकेट के हीरो हैं। वो उनसे कोई नहीं ले सकता। और खलील रहमान कमर साहब की सोच जैसी मर्जी हो, वो बहुत अच्छे राइटर हैं। नहीं मगर ये जवाब नहीं है, लाइफ जैकेट किसको दे रही है? मैं खलील साहब को दे दूँ। खलील साहब को लाइफ जैकेट मिल गई है। जी हसन आपकी बारी सर। जनाब मुझे कोई तीन नाम बताने हैं आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से, जिनको आप चाहेंगे कि वो पीटीआई में हो, एनी वे फ्रॉम पाकिस्तान से आप चूज कर सकते हैं। कमर जमान कायरा एक, इत्तेजाज अहसन साहब दो, रजा रबानी साहब तीन। तीनों ही पीपल्स पार्टी से उन्होंने कहे हैं कि हम ले लेंगे। ठीक है सर, ये बताएं लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप भी, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां असलम इकबाल साहब, चौधरी परवेज अलाई साहब और जनाब फयाजुल हसन चौहान। तो किसके साथ है सेल्फी? सेल्फी होगी जी परवेज अलाई साहब के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? मियां असलम साहब को। और फ्लोर आ गया है? चौहान साहब किसी जल्दी में खबर बनवाने जा रहे होंगे ना, तो उनसे कहेंगे। चौहान साहब फ्लोर आ गया है, खबरें बनवा रहे हैं आप। मजबूरी के तहत आपको भी एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किन का चेहरा देखना चाहेंगे उसमें आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब मुराद अली शाह। फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान का चेहरा देखना। बोर नहीं होगा? बोर नहीं होंगे। ठीक है सर, चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट, किसी एक को छोड़ के आना है, किसको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और फयाजुल हसन चौहान। आमिर लियाकत साहब चांद पर, टाइटैनिक पर आप भी, दो वीआईपी पास, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक पर? ऑप्शंस हैं आपके पास डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। हाय हाय, फिरदौस आशिक अवान को ही ले जाऊंगा साथ अपने। ये तो झूठे हैं, ये तो झूठे हैं। देखिए चाहे उन्होंने इसको के बाद चीफ मिनिस्टर हाउस जाना है, लेकिन चीफ मिनिस्टर हाउस के बाद उन्होंने अपने हाउस जाना है, इसलिए डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का इंतखाब हुआ। सर डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं गवर्नर पंजाब, चौधरी सरवर साहब और हाशिम जवाब अख्त। गवर्नर साहब को बचा लेंगे, सोच को ले देंगे। हाशिम साहब तो स्विम भी करने के जवान आदमी है। ये तो आपका ख्याल है ना? मेरा ख्याल है, मगर साहब गवर्नर जरूरत होगी लाइफ जैकेट। गवर्नर साहब को बचा लिया है, हाशिम जवाब अख्त लाइफ जैकेट लेने में नाकाम रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इफ़त जी आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।